दिया गया है। अगला प्रश्न श्री कन्हैयालाल। प्रश्न संख्या 245। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का खंड एक, जी हाँ, मापदंडों का विवरण परिशिष्ट एक पर प्रस्तुत है। प्रश्न का खंड दो, विधानसभा क्षेत्र मालपुरा में विगत दो वर्षों में विभिन्न योजनांतर्गत बनाई गई नवीन सड़कों पर 6,56,16,000 रुपये व्यय कर 41 किलोमीटर सड़क का निर्माण करवाया गया है। विवरण परिशिष्ट दो पर प्रस्तुत है तथा विभिन्न योजनांतर्गत 39,77,62,000 का व्यय कर 180.72 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण किया गया है। परिशिष्ट तीन पर प्रस्तुत है। नंबर तीन, विधानसभा क्षेत्र मालपुरा में विगत दो वर्षों में मिसिंग लिंक योजनांगत कोई सड़क स्वीकृत नहीं की गई है। खंड चार, विधानसभा क्षेत्र मालपुरा में शुभदंड टोपा से पथराज के मध्य डामर सड़क अन्य जिला सड़क 14 पूर्व में निर्मित है। इस सड़क की स्थिति संतोषजनक है एवं शेष नगर से कुमारिया कांटोली और लामिया जनुदार लावा से सोड़ा धोली से सोड़ा सकरामपुरा से भवानीपुरा सड़क मिसिंग लिंक सड़कें हैं जिनकी कुल लंबाई 21 किलोमीटर की है। विवरण परिशिष्ट चार पर प्रस्तुत है जिनका निर्माण करवाया जाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता के ऊपर निर्भर करेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री से पूछना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र के नगर से कुमारिया, डीबरू से लामिया जुनारदा, सकरामपुरा से भवानीपुरा और सोड़ा से लावा, इनकी सड़कों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है क्योंकि बरसों से लोग 25 से 30 किलोमीटर चक्कर खा के जाते हैं। तो ये मिसिंग लड़के सड़क आप बनाने का विचार रखते हैं? प्रश्न संख्या दो नंबर, सुबडम टोपा से पथराज रोड का मिसिंग लिंक रोड जो कि स्टेट हाईवे 116 को जोड़ता है, ये पहले पूर्व में आज से 23 वर्ष पहले बिसलपुर प्रोजेक्ट के द्वारा ये रोड बनी थी 2 किलोमीटर की, वो बिल्कुल रोड बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, न तो इसका मेंटेनेंस पीडब्ल्यूडी कर रहे हैं, तो क्या इसे मिसिंग लिंक से जोड़ने का विचार रखते हैं क्या? अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक आपने कहा है, जहाँ सवाल किया है मिसिंग लिंक का, तो ये कुल मिला करके जो आपने 5-6 सड़कें बताई हैं मिसिंग लिंक की, इनकी लंबाई है 21 किलोमीटर और वर्तमान स्थिति यह है कि किसी में तो ग्रेवल है और बाकी में कच्चा है। डामरीकरण सड़क हेतु अनुमानित जो लागत बनी है वो बनी है इसकी करीब करीब 10,50,00,000। तो ये सवाल ये है कि ये तो वित्तीय स्थिति के ऊपर निर्भर करेगा। वैसे भी बजट की घोषणा के अनुसार आपको 5 करोड़ रुपए हर विधानसभा क्षेत्र को दिए गए हैं, उसमें जितना जो कुछ कवर हो सकेगा वो तो हो ही जाएगा। उसके अलावा तो फिर मैंने बता दिया आपको कि जैसी वित्तीय स्थिति होगी उस तरीके से काम होगा। अगला प्रश्न संजय शर्मा। प्रश्न संख्या 3954। एक, जी हाँ, इस विभाग के अधीन राज्य